नमस्कार, मैं हूं सीना शर्मा। आप देख रहे हैं हरिजन सेवक संघ का ऑफिशियल चैनल। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित दिल्ली में एकमात्र संस्था है। इस संस्था का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसका संविधान कब लिखा गया तथा वर्तमान में इसमें किस तरह की गतिविधियां और कार्यक्रम किए जाते हैं, आइए जानते हैं हरिजन सेवक संघ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी के शब्दों। हरिजन सेवक संघ पूज्य महात्मा गांधी 1932 साल में बनाया। इसका स्थापना महात्मा गांधी जी से हाथ से ही हुआ। इसका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान महात्मा गांधी अपना हाथ से लिखा और उसका करेक्शन भी महात्मा गांधी किया। देश में 26 प्रांतों में हरिजन सेवक संघ का शाखा संगठन है और इसका साथ साथ सारा देश में एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन हरिजन सेवक संघ का साथ काम करता है। हम सब मिलके गांधीयन फेटर्निटी का एक अच्छा माहौल है और ये परिवार सारा देश भर समाज सेवा का काम कर रहा है। हरिजन सेवक संघ के पहले सभापति जीडी बिल्ला 27 साल हरिजन सेवक संघ के सभापति थे। उसका बाद माता रामेश्वरी नेहरू, उनका बाद वियोगी होरी जी। 1983 से दीदी निर्मला देशपांडे, जो विनोबा जी का मानस कन्या, वो हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और 25 साल वो अध्यक्ष पद में था। उनका समय से ही मैं हरिजन सेवक संघ का उपाध्यक्ष हुआ और उनका टेन्योर में मैं हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष था। 2013 में राधा कृष्ण मालविया केंद्र मंत्री थे, उनका देहांत के बाद मुझे सर्वसम्मतित्व में हरिजन सेवक संघ का प्रेसिडेंट बनाया। हरिजन सेवक संघ केंद्रीय स्तर में कुछ काम करता है, उसमें बापा आश्रम स्कूल है, फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, महात्मा गांधी योग सेंटर है, महादेव देसाई लाइब्रेरी है, महात्मा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर है और हरिजन सेवक संघ का कैंपस 20 एकड़ जमीन का बढ़ा है, जिसमें गांधी जी और कस्तूरबा 1930 से 1940 साल में जब भी दिल्ली आते यहाँ ही रुकते और उनका परिवार भी यहाँ ही रुकते। इसका बाद उसी गांधी जी जहाँ रुकते वहाँ पर कस्तूरबा म्यूजियम हुआ। भारत में पहले दफे कस्तूरबा का नाम में एक म्यूजियम है। हरिजन सेवक संघ का बापा आश्रम हॉस्टल है और स्कूल भी है, ठक्कर बापा स्कूल भी है और साउथ दिल्ली में कस्तूरबा बालिका विद्यालय है। इसका साथ साथ टेक महिंद्रा फाउंडेशन का CSR अकाउंट से वो लोग हम लोग का साथ मिलके, हरिजन सेवक संघ का साथ मिलके स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर बनाया, जिसमें छात्रों छात्री हेल्थ केयर का ट्रेनिंग लेता है और ये ट्रेनिंग लेटेस्ट ट्रेनिंग होता है। जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए, वो प्रोफेशनल का जैसा ट्रेनिंग होता है उसी टाइप का ट्रेनिंग होता है और उनका बाद उसका साथ हरेक नेशनली एंड इंटरनेशनली रिप्यूटेड हॉस्पिटल में
ये लोग का कोर्स होने का बाद इसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है और 85 to 90% वो लोग आफ्टर कोर्स एम्प्लॉयमेंट मिलता है। रिसेंटली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी, हमारा टेक महिंद्र फाउंडेशन ये स्मार्ट एकेडमी के साथ एग्रीमेंट करके उसका भी सर्टिफिकेट कोर्स चलाने का एक प्रस्ताव लिया और वो काम भी शुरू हुआ। गांधी जी चाहते ये स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए ठक्कर बापा विद्यालय तमिलनाडु में चेन्नई में बनाया, जहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट हुआ था, और दिल्ली में उद्योगशाला था। तो उद्योगशाला बहुत पहले बंद हो जाने के बाद पूरा ये बिल्डिंग बहुत खराब होने लगा। उसके बाद टेक महिंद्र स्मार्ट एकेडमी हमारे साथ कोलाबोरेशन करके करने के बाद एक अच्छा परिवेश भी तैयार हुआ और यहाँ से कमजोर वर्ग स्टूडेंट उसको यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद इसको नौकरी भी मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। प्रांतीय स्तर में सब संस्था अपने अपने काम करता है, अपने अपने प्रोजेक्ट ले आता है, अपने अपने प्रोजेक्ट चलाता है और वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रांतीय ब्रांच रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है। और दिल्ली से एक दो स्कीम प्रांतियों में जाता है, शाखा में काम करता है, हर स्टेट में नहीं है, लेकिन हर स्टेट में जो प्रांतीय शाखा वो अपने डोनेशन कलेक्ट करता है, अपने स्कीम करता है और वो स्कीम इम्प्लीमेंट करता है। उसका ETG भी है, उसका इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है और इस तरीके से काम होता है। दिल्ली हरिजन सेवक संघ का हम लोग कोई सरकारी ग्रांट नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट का ग्रांट मिलता है। जैसा फैमिली काउंसलिंग में साल में करीब 2 लाख रुपया मिलता है और बापा आश्रम हॉस्टल के लिए खाना और उसका स्टाफ का वेतन, लेकिन वो स्टाफ का वेतन जो होता है बहुत कम है। आजकल का दिन में भी 3-4 हज़ार से उसका सैलरी इस तरीके से है, अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का, लेकिन हम लोग उसको कोशिश करता है ज़्यादा देने के लिए। हमारा अपना कोई फंड सरकार का पास नहीं है, हमारा इनकम एक कनाडा बैंक का है, उसका जो किराया मिलता है साल में 2,20,000 रुपया महीना में, उसी से हमारा वो इनकम है। हमारा स्टाफ का पुराना स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा रिटायर हो गया और अभी जो स्टाफ है वो स्टाफ बहुत सिंसियरली अच्छा काम करने का कोशिश करता है। ये सब काम में हम लोग सब एग्जीक्यूटिव कमिटी, सेंट्रल बोर्ड यूनानिमसली डिसीजन लेके सारे काम करता है। हमारा काम में ऐसा कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। नमस्कार।